तो फ्रेंड्स, हम आपके सामने लेके आए हैं आईएसओ सेंसेशन 93। कहा जाता है कि अगर आपने ये प्रोटीन एक बार ले लिया तो इसके बाद आप स्विच नहीं कर सकते दूसरे प्रोटीन से। तो फ्रेंड्स, मैंने किसी मेरे फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया ये प्रोटीन, तो मैंने मार्केट में गया और देखा कि प्रोटीन कैसा अवेलेबल है और इसके सप्लायर कौन कौन से हैं। फिर मैं दुकान पे गया तो मेरे को ये दो प्रोटीन मिले, मैं ये दोनों ले आया वीडियो में। आप देख के इनमें फ़र्क नहीं बता पाएंगे, पर जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़े थोड़े फ़र्क नज़र आएंगे। सबसे पहले तो आप इसके स्टिकर को देख सकते हैं, अगर आप इधर से घुमाएंगे तो देखिए, आप ये देख पा रहे हैं कि ये वाइट बैकग्राउंड के अंदर है, और आप यहीं इस दूसरे वाले को देखेंगे तो ये आपको अलग मिलेगा। और यहाँ पे आपको देखेंगे, जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये यहाँ पे FSI का निशान है और ये इम्पोर्टर का साइन है। वैसे ये यूजुअली किसी भी स्टिकर पे अवेलेबल नहीं होता है, पर ये इस वाले पे अवेलेबल है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। और ऊपर देखते हैं तो आप ऊपर देखेंगे तो ढक्कन पूरा सेम मिलेगा, पर जो फ़र्क है वो है ये सप्लायर्स का। ये जो सप्लायर है ये है कार, और ये सप्लायर है MHI। ये आपके सामने है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप अभी तक नहीं समझ पाए होंगे इनमें से असली कौन सा है, नकली कौन सा है। देखिए, मैंने आपको इनके बीच का डिफरेंस बता दिया, ये स्टिकर अलग है इसके अंदर, ठीक है जी, ये अलग हो गया। इसके अंदर ये सप्लायर ने अपना मार्क दे दिया, जो कि यूजुअली कभी भी किसी स्टिकर पे मेंशन नहीं होता। वो अलग से अपना इस तरह से चिपकाते हैं, पर कभी भी स्टिकर के साथ मेंशन नहीं आता। पर क्या पता आजकल कुछ नया ट्रेंड चल रहा हो, तो पर अभी भी हम कन्फ्यूजन में हैं। और आप इसकी बारीकी में देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन सप्लीमेंट, और आप इधर देखेंगे तो लिखा हुआ है वे प्रोटीन आइसोलेट हेल्थ सप्लीमेंट। वैसे तो आपको एकदम से देखने में लगेगा बहुत फर्क है, पर इतना कुछ फर्क हम कह नहीं सकते। तो हम अब इसके अंदर देखते हैं। तो पहले मैं ये कार्स एंटरप्राइज का खोल रहा हूँ, तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके जो प्रोटीन का टेक्सचर है वो थोड़ा अलग है बाकियों के मुकाबले, ये थोड़ा फ्लफी सा है। अब हम दूसरे सप्लायर का देखते हैं, MHI का। देखिए, देखने में तो ये दोनों में सेम लग रहे हैं, इसका टेक्सचर देखते हैं कैसा है। एक बार इसकी स्कूप पे नज़र मारते हैं, देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्कूप दोनों सेम। चलो, स्कूप के मामले में तो दोनों ने बचा लिया अपने आप को। चलिए, अब हम इसके टेस्ट को चेक करते हैं। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे प्रोटीन। अब हम इसको मिलाएंगे, जो प्रोटीन होगा वो पानी में अच्छे से घुल जाएगा। अब देखते हैं ये घुलता है या नहीं घुल पाता। ये देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये घुल चुका है, बस थोड़े बहुत इसके पार्टिकल है जो रहते हैं, ये थोड़े बहुत रह जाते हैं, तो टेंशन नहीं। ये देखिए, ये अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसको पी के देखते हैं। टेस्ट फ्रेंड्स इसका बिल्कुल कॉफ़ी की तरह है। अब हम दूसरा टेस्ट करते हैं। सेम मेरी क्वांटिटी। ये देखिए, हमने उतना ही प्रोटीन लिया है और उतना ही पानी, ये हम इसमें डाल दिया। और अब हम इसको मिलाते हैं। ये देखिए, ये भी वैसे ही मिला है, बस थोड़े थोड़े पार्टिकल से रहते हैं। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने रिजल्ट देखे, इनमें बहुत सारे डिफरेंस मिले आपको, और हमने टेस्ट करा। तो मेरे कई भाई होंगे वो सोचेंगे कि भाई ये वाला फेक है, वो वाला फेक है, पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये दोनों ही ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि आप अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग डेट्स देखेंगे तो उनमें 2 महीने के डिफरेंस का फ़र्क है, और इतने 2 महीने में तो दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है, और हम तो फिर भी प्रोटीन पे रह गए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि दोनों प्रोडक्ट अपने जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो अगर सप्लायर डिफरेंट है फिर भी आप टेंशन मत लो कि हमारा प्रोटीन नकली होगा या नहीं होगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में। जिस भी प्रोडक्ट के बारे में फ्रेंड्स आपको जानना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगली वीडियो में हम आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।